से भी अच्छा था भाई। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग? ज़रूर बताइएगा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ सीमा कंवर, सिरमौर हिमाचल से, और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल द कंवर फैमिली में। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी कि हम घर पे पॉपकॉर्न कैसे बनाते हैं, होममेड पॉपकॉर्न कैसे होते हैं। पर आप सोचेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, पर ये हम मार्केट से लेके नहीं आए हैं, ये हमारे अपने घर के ही ऑर्गेनिक पॉपकॉर्न हैं। तो आप देखना अभी मैं जब बनाऊंगी कि कितने अच्छे बनते हैं। और मेन ये है कि ये ऑर्गेनिक है। पॉपकॉर्न सभी को पसंद है। आजकल सर्दियों में अगर खाया जाए तो इसका मज़ा ही कुछ और है, क्योंकि ये बच्चे हों या बड़े हों सभी को पसंद है, और सर्दियों में हमें इसे ज़रूर खाना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर हम इसके फ़ायदे की बात करें तो इसमें फ़ायदे आप सभी को पता है कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है ये। इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है जिससे कि जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो कम होता है, और ये डाइजेशन को भी सही रखता है। और पॉपकॉर्न जब हम खाते हैं तो हमारा पेट ऐसा लगता है जैसे भरा भरा सा, मतलब काफ़ी देर तक हमें भूख नहीं लगती है। इसलिए हमें सर्दियों में पॉपकॉर्न ज़रूर खाने चाहिए, और आप भी अपने लगाइए थोड़ी मात्रा में और ज़रूर इसका एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अपने पॉपकॉर्न। तो फ्रेंड्स, ये देखिएगा, ये है हमारा ऑर्गेनिक पॉपकॉर्न। और ये देखिए इसकी कितनी छोटी छोटी मक्खियाँ होती हैं इसकी, और छोटू छोटू से दाने होते हैं। और ये वाली जो मैंने रखी है, ये मैंने अगले साल के लिए ही ये सीड रखा है, मतलब ये बीज के लिए मैंने रख दिया है। ये बीज के लिए तो दो भी काफ़ी है। और ये देखना आप, ये मैंने निकाल के रख दी है ऑलरेडी। अभी मैं इसकी पॉपकॉर्न बनाऊंगी, आप देखना कितनी अच्छी पॉपकॉर्न बनेगी। फ्रेंड्स, मैंने ये कुकर में घी डाल दिया है, और अभी घी को गर्म होने देते हैं। और ये घी हमारा गर्म हो गया है, इसको थोड़ा सा हिलाएंगे। सेम वैसे ही बनता है जैसे हम मार्केट से लेके आते हैं, उसमें ऑलरेडी मिक्स होता है बटर और नमक। और इसमें हम अभी ऐड करेंगे नमक और हल्दी भी, अब अगर आप चाहो तो ऐड कर सकते हैं। नमक आप टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। मैं थोड़ा सा डालूंगी। आप देखना थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा इसका। फ्रेंड्स, थोड़ा सा पिंच हमने इसमें हल्दी भी डाल दिया है, थोड़ा कलर इसका और डार्क हो जाएगा। और ये देखिए पॉपकॉर्न बनना शुरू हो गया है। और ये आपको दिख रहा होगा कि हमारा पॉपकॉर्न एकदम रेडी होने ही वाला है। और ये देखिए हमारा गर्मा गर्म पॉपकॉर्न, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। और फ्रेंड्स, ये देखिए कितनी अच्छी पॉपकॉर्न हमारी तैयार हुई है, एकदम क्रंची है। फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के कोई भी पैसे नहीं लगते हैं। जो चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की वीडियो देखने को मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, वीडियो का मैं यही एंड करती हूँ, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर। जय भारत, जय हिमाचल।